सबसे पहले जाएंगे कहाँ, सेटिंग सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम डॉट होम। यहाँ पर हमारा बेसमेंट क्या है, बेसमेंट है, ओके है। अच्छा अभी क्या देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट आई एम स्टार है 06 हैश, ये भी आई एम नंबर, ओके है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ जाएंगे नेटवर्क नेटवर्क, ठीक है। अभी जाएंगे कहाँ, मोबाइल सिम, यहाँ कौन सी सिम बता रहा, वोडाफोन सर, वोडाफोन, ठीक है, वोडाफोन भी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ सेलेक्ट करने कुछ नहीं है। बैक सर इसमें उल्टे प्लस माइनस वाली चार्जिंग चाहिए, मोबाइल नेटवर्क एडवांस, और यहाँ देखेंगे प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप, 4G है नहीं ले रहा, 2G नहीं ले रहा, हाँ सर 3G, 3G भी नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, फिर कहाँ गया वापस इसको, नहीं यार 4G में आ गया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ देखो इसको बंद कर रहे हैं, क्या आ रहा है क्या नेटवर्क, सेलेक्ट करने नेटवर्क लेते हैं तो नहीं आ रहा है, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा क्योंकि लिस्ट ही नहीं आ रही। अभी क्या करेंगे इसमें, ये वाला IC, कौन सा ये वाली IC, ये वाला IC क्या करेंगे, रिवॉल्व करके लगाएंगे, उसके बाद चेंज करेंगे, ठीक है, रोके। सो फ्रेंड्स, इन्होंने हैंडसेट बता दीजिए कौन सा है आपका, ऑनर सॉरी 10R का हैंडसेट है, जिसमें क्या प्रॉब्लम था सर, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क इश्यू था, बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आ रहे थे, और अभी आपने इसमें IC प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चेक किया पहले हमने, है ना, उसके बाद IC भी आपने चेंज किया सर। तो आपने चेंज किया कि मैंने किया IC, चेंज कौन किया IC आपने किया, ठीक है IC मैं दिया वो छोड़ दीजिए, बट चेंज कौन किए आपने किया है, तो अभी प्रॉपर आता है आपको IC वगैरह रिवॉल्व करना लगाना, हाँ तो क्या हुआ अभी IC चेंज कर दिए इसमें आपने, ठीक है चलिए बताइए, नेटवर्क आए कि नहीं आए बताइए, नेटवर्क आया है इसमें, प्रॉपर आ गया अभी, बताओ इसमें, देखिए वोडाफोन का नेट सिम डाला हुआ और नेटवर्क 4G देखा, हाँ यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4G इनका नेटवर्क आ चुका है, नेट भी इनका, ये देखिए वोडाफोन की सिम इसके अंदर है, 4G नेटवर्क यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रॉपर इनका अभी जो है फोन इनका प्रॉपर वर्क हो चुका है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स हमारे साथ 5 नवंबर बैच के एक स्टूडेंट है, अपना नाम बताइए, सतीश गुप्ता, क्या ये हैंडसेट में आपने क्या क्या किया पूरा डिटेल में बता दीजिए सर। मैंने इसमें इसकी EMC IC होती है उसको मैंने निकाला, रिवॉल्विंग किया, लगाया, लेकिन तो फिर भी सेट ऑन नहीं हुआ, फिर उसको निकाला, फिर लगाया, फिर मैं उसको रीप्रोग्राम किया, फिर कॉलकॉम पोर्ट आपका जो है ना बैटरी लगाने पर बन रहा था, जैसा कॉलकॉम का जो सेट होता है नॉर्मल कैसे पोर्ट बनाता है अगर ओके कंडीशन होता है, कैसे बनाता है बताइए, अगर ओके कंडीशन रहेगा, अगर EMC से डिस्कनेक्ट रहेगा तो वो पोर्ट बनाएगा, डायरेक्टली पोर्ट बनाएगा, अगर ओके कंडीशन होता है तो EDL में पोर्ट बनाता है। ये सारी डिटेलिंग आपको क्लास में दी जाती है, वीडियो में सब कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन एक हिंट ये दे देते हैं कि MI का हैंडसेट अगर होता है तो वो EDL जब तक कनेक्ट नहीं होता है जब तक वो अपना पोर्ट नहीं बनाना चाहिए, अगर डायरेक्ट पोर्ट बना रहा है तो उसके बहुत सारे रीजन है, वो सब आपको एक क्लास में बताया गया है। तो हमने देखा कि ये डायरेक्ट पोर्ट तो नहीं बना रहा था, लेकिन EDL में भी नहीं बना रहा था, लेकिन जब बैटरी आप कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये क्या कर रहा था, बैटरी कनेक्ट करने पे बना रहा था, जो कि नहीं बनाना चाहिए, है ना। तो आपने इसको पहले प्रोग्राम करके देखा, EMC निकाल के देखा, ओके थी, उसके बाद आपने क्या किया, लगाने के बाद ऑन किए तो नहीं हुआ, तो हमने CPU को क्या किया, CPU निकाला और उसको रिवॉल्व किया और उसको फिर लगाया। अच्छा ये बताइए, ये रिवॉल्विंग मैंने की है कि आपने की है, अच्छा ये बताइए कितने साल से काम कर रहे हैं आप, 5 साल से कर रहे हैं, और आज कितने दिन हो गया आपका यहाँ क्लास को आके, सर आज 7वां दिन है, 7वां दिन। तो पहले कभी EMC CPU रिवॉल्व वगैरह आता था आपको, नहीं सर। यहाँ पर ही किए हो ना, यहाँ पर सीखे हो, पहले एक दिन में ही आपने रिवॉल्विंग सीखे यहाँ पर, और आज आपने खुद ही अपने 4G हैंडसेट MI का है जिसका 8916 CPU जो खुद रिवॉल्व किए और खुद ही लगाए हो आप, और सेट भी आपने ही ऑन किया, तो अभी कैसा लग रहा है आपको, तो ये सेट ऑन हो रहा है ना अभी, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये MI का हैंडसेट है और यहाँ पर एंड्रॉयड लोगो आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये प्रोग्राम हुआ है सेट, तो थोड़ा ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा।
फ्रेंड्स ये हमारी क्लास है, पांच नंबर बैच के स्टूडेंट। आप क्या कर रहे हैं इसमें वेदजी बताइए। मैं सीपीयू लगा रहा हूँ सर। सीपीयू लगा रहे हो जी? अभी साफ कर रहा हूँ प्लेट को जी। इसका सीपीयू रिवॉल्विंग करके लगा। ठीक है, तो रिवॉल्विंग आपको आती है अभी? जी सर। सीपीयू आईसी लगाना निकालना आता है आपको? जी जी। तो सेट भी ऑन किए ना आपने यहाँ पर? कल भी एक आपका वीडियो डाले थे WTR वाला। ठीक, कैसा लगा आपको EMC में यहाँ पर पढ़ के? बहुत अच्छा लगा सर। फिरोज सर ने कैसा पढ़ाया यहाँ पर? बहुत अच्छा पढ़ाया सर। एशिया टेलीकॉम को क्यों चुना? क्यों चुना हमको यहाँ पर? मतलब क्या रीजन था कि मैं पहले आप ये इंस्टीट्यूट का वीडियो देखता था सर, और जो लड़के लोग बनाते थे उसको देख के ज्यादा आया था। मगर मैं दो महीना पहले और आया था हमें, तो वहाँ मैं डेमो क्लास, मतलब हालांकि क्लास करने ही आया था मगर तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं वापस ही लगा। एक दिन क्लास पूरी करके गया था। तब आपको पता चल गया था कि सही पढ़ाते हैं जी 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 जी। तभी आपने वापस आया है? जी जी, अच्छा लगा क्लास। और प्लस उस समय मैं जो पढ़ा था अभी भी मुझे याद था। अच्छा, कि जो एक दिन में जो भी बताए थे मुझे अभी भी याद। इसलिए आपने ये लगा कि हमें सीखना है तो एशिया टेलीकॉम से ही सीखना जी, है। जबकि आप ऑनलाइन भी सीख सकते थे जी। बिल्कुल, ऑनलाइन में प्रैक्टिकल नहीं हो पाता सर। प्रैक्टिकल सीख सकता था मैं, मगर प्रैक्टिकल जैसा नॉलेज चाहिए था। चुका इनके लिए फिर से एक ताली हो जाए। यहाँ पे जो है लाइव हमने दिखाया एक स्टूडेंट से, हमने सीपीयू MI5 का सीपीयू रिवॉल्व करके दिखाया, कोई इसको हेल्प नहीं किया कुछ नहीं किया, अपने खुद से क्या है इनमें की हमारे जो सारे स्टूडेंट है वो कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। देखिए ये वाला भी हो गया तुम्हारा, जो भी तुमने आईसी बिठाई थी। देखिए यहाँ पर दिखाओ दिखाओ। तो ये एक और सेट जो हमने अभी आपको बताया था कि EMC बिठा रहे थे, हैंग ऑन लोगो हो गया था, इन्होंने इसको पहले प्रोग्राम किया और फिर वापस ये सेट ये देखिए, ये भी वन टाइम में चालू किया। तो एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। चलिए देखो क्यों, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिएगा। अभी हमारा 5 और 15 नवंबर का बैच है और बाकी सारी चीजें, अगर कॉल कर रहे हैं तो दिन में कॉल कीजिएगा 12 और 5 बजे के बीच में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर। जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोल चाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं। बिल्कुल टेक्निकल सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के आपको पता चले EN सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है। पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। मुझे हाथ जमाने के लिए MMC और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने MMC के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो MMC भी बहुत अच्छा होगा। Okay, तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस, आपने क्या क्या यहाँ पर सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल, पुराना मोबाइल, डेड गुड रिपोर्ट, हेल्थ बेड रिपोर्ट, जो भी एरर आते हैं MMC में वो सारे कंप्लीट होगा। उसके बाद अब आज की कंडीशन मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको MMC निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, FRP MI अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, ISP पिन आउट द्वारा भी कर सकते हैं बिना डेड रिस्क के। JTAG और UFI दोनों से कर सकते हैं। दोनों से कर सकते हैं, तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं। A3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पेशेंट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं? अगर कोई MMC का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर IC डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये MMC करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को IC रिवॉल्विंग वगैरह जो MMC है सब कुछ हम यहाँ पर। ताली बजा दो, इन्होंने परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर,
मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिल रहा है, मेरे को डेढ़ महीने की छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर मेरे को एक महीने के अंदर कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था, आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है, अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता है। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया, तो पैसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था, जो सर्किट बना रहा था अच्छा मोबाइल बना के लिए, वो टेक्नीशियन लोग तो उनको नए रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैंने यहाँ पे गए हुए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मिलेंगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज लेते। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेक सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिबॉल करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोलते हैं हाँ हमें बोलना है कहने के लिए बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे हैं, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है बोलना, नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है सुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना, तो आप सेटिस्फाई हैं सर? अभी तक सर्टिफाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा सवाल डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सका तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन, हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं समझ लगी इसके अंदर, हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितने
जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने। अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का क्या उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.